हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर और आसान तोड़ डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं तोड़ पट्टी से स्टार्टिंग कर रही हूँ। 9 चेन लेंगे। वन टू थ्री, थर्ड में डालेंगे इस तरह से। और अब हर एक चेन पर डबल क्रोशिया, एक राउंड डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल और आसान तोड़ पट्टी है। अगर किसी डिजाइन में बनाना चाहें तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमने अलग अलग डिजाइन में तोड़ पट्टी बना के डाली हुई है डिजाइन। 7 डबल क्रोशिया, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, दो हो गए। अभी 4 चेन लेंगे और लास्ट के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर तोड़ पट्टी की चौड़ाई ज्यादा रखनी है तो चेन बढ़ाकर ले सकते हैं, 9 से 11, 12, 13, जितनी भी चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से चेन लेंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन। तो इस तरह से तोड़ पट्टी बना के तैयार करनी है। बिल्कुल आसान डिजाइन है तोड़ पट्टी का, और तोरण का भी आसान डिजाइन बना के दिखाने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से कंटिन्यू बनाने हैं, 2 डबल क्रोशिया दोनों साइड में, बीच में 4 चेन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तोड़ पट्टी बना के फिनिशिंग कर लेनी है। ये मैंने सिंगल क्रोशिया में 3 चेन लेके और फिनिशिंग कर ली। या आप कोई और डिजाइन में भी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो अब हम इसका डिजाइन बना के दिखाने वाले हैं कैसे बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पेटल इसकी पहले ही बना ली है। ये देखिए, बिल्कुल आसान डिजाइन में, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर डिजाइन लग रहा है तोरण के लिए। तो ये एक पेटल बन गई। अब हम नेक्स्ट आपको बना के दिखाएंगे इसे आप कैसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा जगह छोड़ भी सकते हैं स्टार्टिंग में। तो पेटल तैयार होने के बाद जो ये वाला जगह है, हमने कितने बॉक्स इसमें लिए हैं उस हिसाब से हम आगे छोड़ेंगे इधर। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बॉक्स है। इतने ही जगह हमें इधर छोड़नी है। यहां तक 9 बॉक्स हैं। तो एक तो यहीं पर ये वाला छोड़ देंगे और यहां से काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां से स्टार्ट कर लें। तो इस तरह से काउंट करके बनाना है। 9 ही इधर हैं और 9 ही इधर हैं। तो जब हम बीच में ये स्टार्टिंग करेंगे तो यहां पर 2 एक्स्ट्रा ले लेंगे छोड़ने के लिए ये वाला पार्ट। तो अगर छोड़ना चाहे तो 2 एक्स्ट्रा लें, अगर पूरे में बनाना चाहे तो 9 बॉक्स छोड़ दें स्टार्टिंग से। ये मैंने यहां से काउंट करके 9 बॉक्स छोड़ देने हैं और स्टार्ट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग व्हाइट कलर से ही करना है। तो 9 बॉक्स छोड़ने के बाद इसमें डाल लेना है। छह चेन लेंगे और यहां पर बांध लेना है नेक्स्ट में, इस साइड में पेटल जो हमने पहले ही बना रखी है इस साइड में बांधना है। फिर 2 चेन लेनी है पर बांध लेंगे। स्पेस ये जो छोड़ रहे हैं, जगह स्किप कर रहे हैं, ये अंदाजे से करेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं करनी। फिर पेटल की जो है चौड़ाई ज्यादा करेंगे तो चौड़ाई इतनी ज्यादा हो जाएगी और लेंथ कम हो जाएगी। तो हमें लेंथ चाहिए, चौड़ाई कम चाहिए, तो उस हिसाब से बनाते हैं। ये देखिए, 2 चेन लेके यहां पर बांध लिया। अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे,
इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने हैं, 12 काउंट करके बना लिए हैं और फिर यहां पर बांध लेना है। इस तरह से फिर दो चेन लेंगे, थोड़ी सी जगह स्किप करके बांध देंगे। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट कर लिया। अब इसे हमें यहां पर बांध लेना है और इसके पास में एक सिंगल क्रोशिया और यहां से फिर हमें 6 चेन लेनी है। 6 चेन लेके इसके 3 पार्ट करने हैं, तो एक यहां पर बांध लेंगे, एक हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 छह चेन लेके दूसरा यहां पर बांध लेंगे और तीसरा यहां पर। तो इस तरह से 3 पार्ट करने हैं। तीसरा यहां पर सिंगल क्रोशिये से इस तरह से व्हाइट कलर से बना के तैयार करना है। अब हम यहां पर व्हाइट कलर निकाल देंगे। बाद में धागे सेट करके फिनिशिंग कर लेंगे लास्ट में। तो ये देखिए इस तरह व्हाइट का ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें पर्पल कलर लगाना है। यहां से स्टार्ट करेंगे। इस तरह बांधने के बाद एक हमें लेना है हाफ डबल क्रोशिया और 9 डबल क्रोशिया लेंगे। अगर और हैवी पेटल बनानी है इसकी तो और ज्यादा भी ले सकते हैं डबल क्रोशिया। लास्ट में फिर हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे और जो सिंगल क्रोशिया यहां पर बांध लेना है। इस तरह से फिर हाफ डबल क्रोशिया से स्टार्टिंग करेंगे, 9 डबल क्रोशिया और लास्ट में फिर हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से तीनों ये बना लेनी है पेटल्स, 3 बनेगी, 3 बॉक्स बनाए हैं। इसको हम निकाल देंगे धागे को और व्हाइट से स्टार्टिंग करेंगे, ये वाला पार्ट बनाएंगे। अब इस साइड से बनाएंगे। यहां से स्टार्ट कर सकते हैं या थोड़ा सा जगह स्किप करके नेक्स्ट बॉक्स से या डबल क्रोशिये से स्टार्टिंग कर लें। चेन लेंगे 6 चेन, यहां बांध लेना है बैक में, एक डबल क्रोशिया उठा के फिर 6 चेन। और इसमें डबल क्रोशिया उठा के बांधना है फिर 6 चेन। इसमें बांधना है
और इसको फिर यहाँ पर बांध लेना है थोड़ी सी जगह स्किप करके, इस तरह से एक राउंड लेना है, फिर दो चेन लेनी है। अब इसमें जो ये बनाए इसमें डबल क्रोशिए बनाने, दो चेन लेनी है, फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है, दो चेन एक डबल क्रोशिया, इस तरह से पूरे में बना लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से व्हाइट के राउंड लेने हैं। अब फिर से हमें ग्रीन स्टार्ट करना है, तो यहीं से कर लेंगे। अगर ग्रीन नहीं स्टार्ट करना चाहें तो व्हाइट से ही एक राउंड और लेके, जो बॉक्स हमने 6 चेन लेके बनाए थे ये वाले, ऐसे बना सकते हैं अगर ग्रीन कलर यूज नहीं करना हो तो। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ, जो व्हाइट छोड़ा था उसी में मैंने बना रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर इस तरह से बांध लिया। अब यहां पर मैं एक सिंगल क्रोशिया ले लेती हूँ और अब इसमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, एक एक डबल क्रोशिया पर, एक बॉक्स में, एक डबल क्रोशिया पर, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेने। तो ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया का राउंड हो गया। अभी यहां पर ये वाले बॉक्स बनाएंगे जो ये डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच छह, छह चेन लेके थोड़ी थोड़ी दूर पे बांध देना है। ये जितने बॉक्स इसमें बने इतने ही बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स बनने चाहिए। तो इस तरह से काउंट करके, इस तरह से 7 पार्ट इसके करने हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसके 7 पार्ट कर लेने हैं और ये धागा निकाल देना है। अब इसमें हम येलो कलर लगाएंगे, सेम जिस जैसे ये बनाया है ये वाला, सेम ऐसे ही बनाना है। बिल्कुल आसान डिजाइन है, इसी तरह से कंटिन्यू बनाना है। जब येलो वाला बन जाएगा फिर व्हाइट स्टार्ट कर लेंगे, ग्रीन फिर ये वाला, फिर व्हाइट स्टार्ट कर लेंगे। इस तरह से जितनी पेटल को बढ़ाना चाहिए बढ़ा सकते हैं लेंथ में। आप डबल क्रोशिया ऐसे करनी है स्टार्टिंग, उसके बाद डबल क्रोशिया। पर्पल वाली पेटल में बनाए हैं उतने ही 9 डबल क्रोशिया काउंट करके बनाने हैं, और स्टार्टिंग और लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा बना के राउंड तैयार करना है।
तो ये देखिए येलो वाला करने के बाद फिर हमें व्हाइट वाला ही बनाना है। अब ग्रीन का राउंड, फिर ये जो बॉक्स बनाए हैं ये बनाने हैं ग्रीन से, और उसके बाद हमें फिर पर्पल कलर लगाना है ये इस बॉक्स में। तो इस तरह से कंटिन्यू पेटल बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए सेम इसके जैसी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पेटल हमारी बनके तैयार हो गई है। दोनों दो पेटल का ये मैंने बनाया है। ये देखिए, आप अगर फूल तोरण बनाना चाहते हैं तो तीन पेटल या चार पेटल कंटिन्यू बना के तैयार कर लें। इसके बीच में आप चाहें तो लटकन वगैरह यूज कर सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं।